दोस्तों, ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्टेबल स्पीकर। ये प्रीमियम कैटेगरी का है और जो साउंड एक्सपीरियंस है ये भी प्रीमियम लेवल का है। ये है मार्शल मिडलटन। मार्शल एक जाना माना ब्रांड है और प्रीमियम लेवल का है। तो ये देखिए, ये है इसकी बॉक्स पैकिंग। ये 20+ आवर्स का पोर्टेबल प्लेबैक टाइम आपको दे सकता है। कॉम्पैक्ट सा डिवाइस है लेकिन काफ़ी देर तक, ऑलमोस्ट 1 डे तक आपको एंटरटेन करता रहेगा। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, व्यू प्रोडक्ट करके लिंक है स्क्रीन के ऊपर, आपको दिख जाएगा, वहाँ पर जाइए और ये जो प्रोडक्ट है वहाँ से आप खरीद पाएंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ, लेकिन ये जो बॉक्स है इसके ऊपर जो डिटेल्स दिया हुआ है वो चेक करते हैं। तो यहाँ से आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है इसके फीचर्स क्या है। इसमें मार्शल सिग्नेचर साउंड टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है जो कि आपको एक अलग ही लेवल का साउंड एक्सपीरियंस देने वाला है। ये IP67 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है, स्टैक मोड के साथ में आता है। बेसिकली अगर आपके पास इस प्रकार के 2 डिवाइसेस हैं उन्हें आप साथ में कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के जरिए, एक तरह से स्टीरियो इफेक्ट आपको मिल सकता है। और बैटरी लाइफ काफ़ी बढ़िया है, 20+ आवर्स नॉनस्टॉप। पावर बैंक की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं दूसरे डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए। और ये जो प्रोडक्ट है ये 55% रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बना हुआ है, मतलब कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे जो प्राइस है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 31,999, ये एक्चुअली इसका प्राइसिंग है, करेक्ट प्राइसिंग है। और बॉक्स में जो प्रोडक्ट है उसे इस प्रकार से पैक किया हुआ है। ये देखिए, ये है मार्शल पोर्टेबल स्पीकर। बिल्ड और फिनिशिंग इसकी काफ़ी बढ़िया है, रगेड टाइप का है और ऑफ कोर्स वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट भी है। अगर आप इसे बीच पार्टी के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। एक तरह से रेक्टेंगुलर शेप का है, ब्रिक जैसा है और थोड़ा सा भारी भी है। पीछे ऑक्सिन और टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है। आगे की तरफ ये देखिए, मार्शल का लोगो है गोल्डन कलर में। और ऊपर की तरफ यहाँ पर बेस और ट्रबल के लिए बटन्स दिया हुआ है, ब्लूटूथ के लिए बटन दिया हुआ है। ये है बैटरी इंडिकेटर, यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि बैटरी लेवल कितना है, वैसे काफ़ी कम है। और ये जो बटन है इसे प्रेस करके आप ये जो सिस्टम है इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। प्लस ये बटन एक तरह से जॉयस्टिक की तरह भी काम करता है, आप मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल कंट्रोल्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसे आप ब्लूटूथ के ज़रिए या फिर जो ऑक्सिन केबल है उसके ज़रिए आपका जो डिवाइसेस है खास करके स्मार्टफोन्स उनके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा बॉक्स में ये कुछ बुकलेट्स दिया हुआ है, ये स्ट्रैप दिया हुआ है। अब ये जो स्ट्रैप है इसे आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं और इस बॉक्स के अंदर ये केबल दिया हुआ है USB 2 Type-C। तो ऑन करने के लिए जो बटन है इसे प्रेस करके होल्ड कीजिए। अब ये ऑन हो गया है और जो नोटिफिकेशन साउंड था वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, बेस काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। ये जो ब्लूटूथ का बटन है इसे प्रेस करके होल्ड करना है, लेकिन उसके पहले मैंने जो मेरा स्मार्टफोन है इसे मैंने ऑन कर दिया है। और ये देखिए, ये जो ब्लूटूथ बटन है इसे प्रेस करके मैं होल्ड करता हूँ। अब ये यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया है कि मेरे पास ये मिडलटन स्पीकर है। मुझे ये जो ऐप है इसे डाउनलोड करना है, मार्शल ब्लूटूथ ऐप, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटअप है। और अब देखिए, ये जो ऐप है ये इंस्टॉल हो चुका है। ये जो ऐप है इसे सेटअप करना है, एड न्यू डिवाइस, और ये लीजिए अब ये कनेक्ट हो गया है। यहाँ पर आपको बेसिकली इक्वलाइजर ऑप्शन मिलता है, स्टैक मोड दिया हुआ है, 2 स्पीकर्स को आप साथ में कनेक्ट कर सकते हैं और ये बहुत सारे अन्य ऑप्शंस दिया हुआ है, आपको एक अमेजिंग एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो मेन चीज़ है इक्वलाइजर। अगर आपको जो बेस है और जो ट्रेबल है उसे कंट्रोल करना है वो आप यहाँ से ऐप के ज़रिए कर पाएंगे या फिर यहाँ पर जो बटन्स दिया हुआ है इसे यूज़ करके भी कर पाएंगे। चलिए इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो चेक करते हैं। ये लीजिए, मैं यहाँ पर इस प्रकार से इसे रख देता हूँ और क्योंकि अब ये जो स्मार्टफोन है इसके साथ में कनेक्ट हो चुका है, मैं एक ऑडियो प्ले करता हूँ। बेस को मैंने कम कर दिया है, बेस को इंक्रीज किया है, ट्रेबल, दूसरा गाना चेक करते हैं। साउंड क्वालिटी मुझे काफी इंप्रेसिव लगी एक्चुअली, बेस इंप्रेसिव, काफी अलग है।
मैंने बहुत सारे पोर्टेबल स्पीकर्स का रिव्यू किया है, ये जो स्पीकर है इसकी जो क्वालिटी है एक अलग ही लेवल की है, बेस इम्प्रेसिव लेवल का है, खास करके जो इंडियन यूज़र्स है उन्हें काफ़ी पसंद आने वाला है। वैसे जो बेस है इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैंने अभी कुछ ही देर पहले जो बेस है इसे कंट्रोल किया था, ट्रेबल को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं और इक्वलाइज़र के ऑप्शंस भी दिया हुआ है एप्लीकेशन में। इसे अगर आप एज अ पार्टी स्पीकर की तरह यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है। और इसकी जो साउंड क्वालिटी है ये काफ़ी लाउड है, मैंने जो म्यूज़िक प्ले किया था ये तकरीबन 50% वॉल्यूम पे था। बैटरी लाइफ भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी अप टू 1 डे, और अगर मैं इसे रेटिंग दूँ तो मैं इसे 4.8 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगा। बहुत ही कम ऐसे ऑडियो प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें मैंने 4.8 का रेटिंग दिया हुआ है, काफ़ी इंप्रेसिव डिवाइस है। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका प्राइसिंग है 31,999 रुपीज़। देखते रहिए।